दिल्ली चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस के राजनीतिक ऑस्कर अवार्ड्स। दरअसल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कई वीडियो ट्वीट किए हैं। इन वीडियोस में नॉमिनेशन से लेकर विनर तक को दिखाया गया है। कांग्रेस ने अपने ऑस्कर्स में एक्शन की भूमिका में बेस्ट एक्टर के तौर पर पीएम मोदी को चुना है, जबकि बेस्ट नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गृह मंत्री अमित शाह को चुना गया है। इस अवार्ड के लिए कांग्रेस की तरफ से योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर के नाम भी नॉमिनेशन में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल को भी नहीं बख्शा, उन्हें इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन ड्रामेटिक रोल से नवाजा गया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल का अवार्ड दिया गया है।